हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। ठीक है, आपको स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड करके बताना है। आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वो है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी गई है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, अब यहाँ पे आप इस इलिप्स को कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस y square upon b square is equal to 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो a square है वो आपके पास 9 है और b square जो है आपके पास वो क्या है 4 है। तो यहाँ से a जो है आपका a square क्या है greater than है b square से, तो मतलब हमारा ellipse जो है वो है कौन सा वाला horizontal ellipse। ठीक है, major axis है इसकी x axis। तो बेटा यहाँ से a की value निकालेंगे तो square root हो जाएगा 9 plus minus 3 आ जाएगा, b आपके पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको इक्वेशन आपको ये लाइन है। अब यहाँ पे लाइन के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो लेने पड़ेंगे आपको, लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट लेने पड़ेंगे एक्स वाई। अब यहाँ से हम करते हैं वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3, वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास वाई। अब यहाँ पे अगर हम जीरो लेते हैं एक्स, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा होल फंक्शन। तो हमारे पास अगर यहाँ पे हम जीरो रखेंगे तो थ्री आ जाएगा, थ्री थ्री कट हो जाएगा तो टू आ जाएगा। ओके, फिर अगर हम यहाँ पे वाई जीरो रखते हैं, वाई जीरो रखते हैं होल फंक्शन जीरो, तो एक्स क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वाई के पॉइंट। अब ये हमारे पास जो इलिप्स है वो कौन सा है एक्स एक्सिस वाला, ये आ जाएगा आपका इलिप्स। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास है मेजर एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव। अब इलिप्स के जो पॉइंट है ये वाले, हमारे पास ए दिया गया है 3 और माइनस 3, बी दिया गया है 0 और 2 और दूसरा है यहाँ पे 0 और माइनस 2। अब वाई के जो पॉइंट है आप देख रहे हैं 0 और 2 है, तो मतलब 0 और 2 यही पॉइंट है आपके पास और 0 और 3 यही पॉइंट है, आपकी जो लाइन है वो आ जाएगी ये। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, सब लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, याद है। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास इन्होंने बोला है हमें क्वेश्चन में स्पेशली एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, तो स्मॉलर रीजन आपके पास आप देख रहे हैं यही वाला हो जाएगा, मतलब हमारे पास एरिया ऑफ क्या है ये वाला इलिप्स और एरिया ऑफ क्या हो जाएगा लाइन। ठीक है, इलिप्स में से एरिया ऑफ लाइन का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बेटा, ओके, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, तो वो आ जाएगा हमारे पास ये वाला, देख रहे हैं आप पॉइंट जो है ये जीरो है एक्स का, ये है आपके पास 3। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी, यहाँ से देखें तो x एक्सिस की है हमारे पास। ओके, ये आ जाएगा y dx और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 टू 3। अब ये एरिया किसका आएगा, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस, फिर आपके पास माइनस हो जाएगा एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आ जाएगा, तो हमारे पास वाई डी एक्स, वाई ये कौन सा आ गया इलिप्स वाला, माइनस वाई
dx, ये कौन सा हो जाएगा, लाइन वाला। ओके तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आपने ले लिए, ये वाले इलिप्स का आप निकाल लीजिए, यहाँ से हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 बाय 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल का स्क्वायर रूट कर लेंगे फिर आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 बाय 3, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास y, इसका इलिप्स का फंक्शन। ओके तो यहाँ पे हम डालेंगे इलिप्स का, वो आ गया हमारे पास, तो कांस्टेंट नंबर बाहर ले लीजिए, वो है 2 बाय 3, अब बचे हमारे पास लिमिट लगेगी 0 टू 3, तो ये 0 टू 3 आ जाएगा हमारे पास, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, माइनस हमारे पास वाई। अब लाइन की इक्वेशन ये है, तो यहाँ से भी आप 2 बाय 3 कांस्टेंट नंबर बाहर ले लेंगे, अंदर है 3 माइनस एक्स और लिमिट 0 टू 3 ही रहेगी, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, 2 और 3 आप जो है 2 बाय 3 कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए, फॉर्मूला लगेगा ए माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाला, ठीक है, वो है एक्स बाय ए, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर है 9 बाय 2, साइन इनवर्स एक्स बाय 2 और हमारे पास ये इंटीग्रेशन आगे इसकी माइनस दूसरे का है हमारे पास 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, दोनों की लिमिट सेम है 0 टू 3, 0 टू 3, तो ये आ जाएगा 2 बाय 3, ओपन कर लेंगे, यहाँ पे 3 अगर रखेंगे हम फॉर्मूले में, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर 0 हो जाएगा ये, प्लस 9 बाय 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 3 रखेंगे बेटा और यहाँ पे सारे x बाय a आता है, ये 3 आ जाएगा, 3 बाय 3 1 हो जाएगा, ये साइन 1 कब होता है, साइन 90 पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 रखा आपने, कट गया 1 आया, तो 1 कब होता है, साइन 90 पे, ये आपने रखा, अगर आप फिर 0 रखेंगे इसमें, ये 0 रखा तो ये टर्म 0, ये भी रखा 0, तो साइन 0 पे कब होता है, 0 पे, होल इक्वेशन ये 0 हो जाएगी, तो आप माइनस 0 कर देंगे, ठीक है, फिर हमारे पास माइनस है ये, 3 रखेंगे, 3 3 9 का स्क्वायर बाय 2, अब बच्चे हमें माइनस करना था लोअर लिमिट डाल के, तो वो 0 हो जाएगा पूरा, तो आप क्या करेंगे, वो 0 आ गया और यहाँ वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 2 बाय 3, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे है हमारे पास 9 बाय 2 और ये आ जाएगा कैंसिल होके 5 बाय 2 और यहाँ पे हमारे पास 9, ये करेंगे आप कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा 9, 9 बाय 2 भी आएगा, ये आ गया 9 बाय 2। अब यहाँ पे आपके पास 2 बाय 3 बाहर रहने दीजिए, 9 बाय 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा आपका 9 2 जा 18 और 2 3 जा 6, ठीक है, अंदर रहा आपके पास 5 बाय 2 माइनस 1, अब यहाँ पे 6 3 जा 18, क्या हुआ 6 3 जा 18, ठीक है। ओके बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 5 बाय 2 था और ये ओके 2 3, तो हमारे पास 9 बाय 2 आया, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है 5 बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास 5, तो अगर हम ये करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 पाई माइनस 2 बाय 2, तो देखो ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, ये 8, 8 का आंसर एक बार चेक कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही है बेटा, ठीक है, आप देख लीजिए आपके पास क्वेश्चन, स्मॉलर रीजन का आपको एरिया फाइंड करना था, एरिया ऑफ एलिप्स माइनस करेंगे एरिया ऑफ लाइन, ठीक है, वो आ गया आपके पास। ओके थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू बेटे।